अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ थर्सडे 16 जुलाई 2020, क्लास 6 साइंस। होमवर्क एक्टिविटी है आज की आपकी चैप्टर नंबर 11 की, इन्वेस्टिगेटिंग साउंड। राइटिंग मटेरियल में आप इसको राइट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स, ये टॉपिक का नेम है, ठीक है। इस तरह से आपने पेज रेडी कर लेना है और नेक्स्ट जो ब्लैंक पेज होगा उस पर आपने डायग्राम बनानी है सेम एज इट इज़, ठीक है। ये आपके पास बने हुए हैं टेंस, ठीक है। टेंस को हम उर्दू में टीन बोलते हैं, ठीक है। जैसे टीन डब्बे होते हैं, जैसे हमारे ऑयल के डब्बे होते हैं या फिर घी के डब्बे होते हैं, उनको भी हम टीन बोलते हैं ना, तो ये भी टीन्स हैं। ये आपके पास क्या है, वायर है, वायर बनी हुई है। नीट राइटिंग में आपने इसको एज इट इज़ करना है ड्रॉ, जैसे ये बने हुए हैं वैसे ही आप इसको बनाओगे। और यहाँ पर राइट करना है आपने, क्योंकि इसकी कोई लेबलिंग नहीं है, डेट्स वाई आप इसके नीचे या जो है इसका मटेरियल जितना भी लिखा हुआ है ये राइट करोगे। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, यू कैन यूज़ आर टिन कैन टेलीफोन टू टॉक टू योर फ्रेंड बिकॉज साउंड ट्रेवल्स द क्विकेस्ट इन सॉलिड्स। वो आपको ये बताना चाह रहा है कि पार्टिकल्स जो सॉलिड्स के होते हैं वो हमेशा से एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स के मुकाबले में सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि टिन को आप यूज़ कर सकते हैं टेलीफोन के तौर पर टू टॉक टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, बिकॉज साउंड ट्रेवल्स द क्विकेस्ट इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में साउंड जो होता है मतलब जो आवाज़ होती है वो सफ़र करती है तेज़ी से लिक्विड के मुकाबले में। अगर आप लिक्विड से कंपेयर करो सॉलिड को, तो सॉलिड में वॉइस होती है वो जल्दी से ट्रैवल करती है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे जो है वो आप इसका टेबल करोगे ड्रॉ, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस लिक्विड सॉलिड, मतलब गैस लिक्विड और सॉलिड का में मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो आपने बतानी है मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ लिखोगे मीडियम, ये आपके पास थ्री मीडियम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है गैस, है गैस किस फॉर्म में होती है, हवा के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में होती है, लिक्विड वाटर के फॉर्म में, और सॉलिड स्टील के फॉर्म में। अब आपने स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मतलब गैस की जो होती है मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो स्पीड है वो है 350, लिक्विड की 1500 या 1500 कह रहे हैं, सॉलिड की 6000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड होती है। आपने इसको एज इट इज़ ही राइट करोगे और इसी तरह से आप इसके डायग्राम बनाकर यहाँ पे नीट राइटिंग में लिखोगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।